समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में पहली बार हमारे भारतीय परिधान साड़ी के साथ एक विशेष फोटोशूट झांसी किले पर ग्वालियर के एक ग्रुप जिसका नाम है सॉरी नॉट सॉरी ने किया। इस ग्रुप का विशेष उद्देश्य हमारी भारतीय संस्कृति को एक नए रूप से सबके सामने पेश करना है। इस ग्रुप की फाउंडर ऋचा शिवहरे ने बताया कि जैसे वे अपने ससुराल ग्वालियर शहर में पहुंची, वहां उन्होंने शूट किया, जहां पर वे साड़ी नाड़ी और शहर की खूबसूरती और हमारी भारतीय संस्कृति को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए सबके सामने अलग अलग संकल्पना के माध्यम से लाती रहती हैं। बस उसी सोच से उन्होंने पहली बार हमारे झांसी शहर में भी ऐसा ही एक शूट किया, जिसमें उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि हमारे शहर की पहचान झांसी के किले को दर्शाया जाए। शूट के पीछे मकसद था कि कैसे हम अपने किले की ऐतिहासिक विशेषता, खूबसूरती व अपनी भारतीय संस्कृति को जोड़कर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। इस फोटो शूट में सभी नारियों ने चंदेरी साड़ी पहनी, जिसे बुंदेलखंड में ही बनाया जाता है। इसमें उनका सहयोग दिया शहर के ही युवराज वर्मा ने, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रयास को अपने कैमरे में कैद किया। और झांसी शहर की बहुत ही प्रभावशाली नारियां, जैसे झांसी में पहली बार हमारी भारतीय परिधान साड़ी के साथ एक विशेष फोटोशूट झांसी के किले पर ग्वालियर के एक ग्रुप जिसका नाम सॉरी नॉट सॉरी ने किया। इस ग्रुप का विशेष उद्देश्य हमारी भारतीय संस्कृति को एक नए रूप से सबके सामने पेश करना है। इस मौके पर झांसी शहर की बहुत ही प्रभावशाली नारियां जैसे रिमझिम राय, डॉक्टर नीति शास्त्री, सोनम राय, डॉक्टर गरिमा शुक्ला, डॉक्टर अर्चना लांजे मिसूरिया व ऋचा शिवहरे समाज सेविका खुद भी शामिल हुई। समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीषा ली की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम ऋचा शिवरे है और सारी नॉट सॉरी ग्वालियर ग्रुप की मैं फाउंडर हूँ, और उसी नाते मैं झांसी के सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा व सम्मान भरा नमस्कार करना चाहूँगी। साड़ी नॉट सॉरी ग्रुप जो है वो 4 साल से हम इस कैंपेन को चला रहे हैं, जिसमें हमने साड़ी जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, परिधान है, हमने उसको फिर से एक नए तरीके से रूप देने की कोशिश करी है। हमने ऐसे बहुत सारे शूट्स करे हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार की वीविंग्स, जैसे कलमकारी हुई, अभी हमने चंदेरी उठाया है। चंदेरी जैसे कहा जाता है फैब्रिक ऑफ बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए हमने झांसी में इस बार ये शूट रखा है। और यहाँ की ही 6 प्रतिभाशाली नारियों को, क्योंकि मैं अपने ग्रुप की सभी महिलाओं को नारी कहती हूँ, तो नारियों को हमने एक शूट प्लान करा है जो झांसी की ही कुछ ऐसी हिस्टोरिक प्लेसेस जिनका कुछ रिसेम्बलेंस है, उनके साथ हम ये शूट करने वाले हैं। शूट क्यों करते हैं हम, अगर आप सोचेंगे कि ये क्यों किया जाता है, तो क्या है, हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो लड़कियां अब आ रही हैं और पुरानी भी कई महिलाओं का धीरे धीरे साड़ी पहनना कम हो रहा है। सब कहते हैं कौन पहने, कौन सिरदर्द ले, और आगे की जनरेशन ज़्यादातर वेस्टर्न क्लोथ्स के प्रति जा रही थी। तो हमने इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी कि हमारा जो परिधान है वो विभिन्न तरीकों से पहना जा सकता है। 50 से 60 तरीके से साड़ियाँ पहनी जा सकती हैं, साड़ी को फिर से रीयूज़ किया जा सकता है। एक सस्टेनेबल फैशन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी परिधान है उसको कार्ड करने की जगह, छोड़ देने की जगह, उसको नए रूप से कैसे किया जाए। तो यही सोच है, यही पर्पस है कि फिर से हम लोगों में इसके प्रति लगाव उत्पन्न कर रहे हैं। और सॉरी नॉट सॉरी सिर्फ ग्वालियर के लिए ही नहीं रह गया, शुरुआत भले वहाँ से हुई है, लेकिन क्योंकि ये भारतीय परिधान है तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर जगह जाकर इस शूट को और इस कैंपेन को चलाएंगे। ग्वालियर के बाद हमने जबलपुर में ये कैंपेन कर चुके हैं, नर्मदा घाट पर हमने ये कैंपेन करा था और वहाँ पर नर्मदा माँ को इसको ट्रिब्यूट किया था, और अब ये 3rd कैंपेन झांसी में हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और हम ऐसे ही इस सोच के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ा सकें। ये एक कैंपेन है जिसका नाम है सॉरी नॉट सॉरी। ये जो एडमिन है वो हमारी फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम ग्वालियर, ऋचा शिवरे। उन्होंने हमसे कनेक्ट किया कि वो अलग अलग सिटी में साड़ी को प्रमोट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम झांसी में कर रहे हैं, तो इस बार आप हमें थोड़ा हेल्प करिए लोगों को मेकओवर देने में साड़ी के साथ, एंड पूरा मेकअप एंड एवरीथिंग वो सब हमारी तरफ से हमने वो किया है उनको हेल्प, और उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो उन्होंने 7 लेडीज़ को चूज़ किया है झांसी से। तो उसमें क्या है कि साड़ी को वो प्रमोट करना चाहते हैं कि साड़ी हमारा जो अटायर है वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है,
तो हम सब लोग वेस्टर्न आउटफिट्स एंड वेस्टर्न उसको बहुत ज़्यादा अब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और साड़ी को लोग भूलते जा रहे हैं कि ये हमारे ट्रेडिशन है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमेशा साड़ी को ही प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में ट्राई करते हैं कि सब साड़ी पहने तो वर्ल्ड वाइड लोग जाने कि साड़ी हमारा अटायर है, इंडियन वो है कल्चर। बहुत झांसी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। पहले तो बुंदेलखंड वासियों को और आप लोगों को बहुत बहुत राम राम। हमारे बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति शिल्प उद्योग निरंतर आगे बढ़ रहा है और अभी पिछले दो दिन पहले ही जालौन में चितेरी गमछा बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को चितेरी गमछा पहनाकर अंगवस्त्र से हम लोगों ने उनको बुंदेलखंड की शान, हमाओ बुंदेलखंड हमारी शान बताई और वहीं उन्हें चितेरी की चित्रकला भी भेंट की। और उसी क्रम में आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हम अपने बुंदेलखंड के हस्तशिल्प के साथ साथ जो हमारा हथकरघा है हैंडलूम चंदेरी और चंदेलों बुंदेलों के राजाओं की मर्यादा लज्जा ये भीनी भीनी चुनरी की तरह ये चंदेरी है।